हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिजिक्स में से काइनेमैटिक्स में से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, तो देखते हैं, शुरू करते हैं। स्टेटमेंट देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो स्टेटमेंट है हमारे पास, अ स्टूडेंट डिटरमाइंड टू टेस्ट द लॉ ऑफ ग्रेविटी फॉर हिमसेल्फ वॉक्स ऑफ अ स्काई क्रीपर 320 मीटर हाई विद अ स्टॉप वॉच इन हैंड एंड स्टार्ट्स हिज फ्री फॉल with zero initial velocity. 5 seconds later, Superman arrives at the scene and dives off the roof to save the student. What must be the Superman's initial velocity in order that he catch the student just before the ground is reached? हमें बोला गया कि कोई एक लड़का है, कोई एक स्टूडेंट है जो कि ग्रेविटी को जो है वो टेस्ट करना चाहता है कि ग्रेविटी जो है वो असल में फॉलो करती है कि नहीं करती, और हम असल में जो है वो उतनी स्पीड से गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे। तो उसके लिए वो क्या करता है, एक ऊंची बिल्डिंग, स्काई क्रेपर का मतलब होता है बहुत ऊंची बिल्डिंग, वो एक ऊंची बिल्डिंग जिसकी जो हाइट है 320 मीटर है, एक बिल्डिंग जिसकी हाइट जो है वो हमें 320 मीटर गिवन है, वहां उसके ऊपर खड़ा हो जाता है और ऊपर खड़े होकर वहां से गिर जाता, ऊपर कूदता है, मतलब कि वो बिना किसी इनिशियल वेलोसिटी के जो है वो कूद जाता है। जैसे फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बस ऐसे ही छोड़ दिया, इसको हम फ्री फॉल बोलेंगे। अगर मैं इसको ऐसे जोर से नीचे फेंक रहा हूँ तो ये मेरा फ्री फॉल नहीं होगा। फ्री फॉल मेरा तब होता है जब हम बिना किसी इनिशियल वेलोसिटी के, जैसे इसको बस ऐसे ही छोड़ दूं, बस इसको छोड़ना, जोर नहीं लगाया, बस इसको छोड़ा है, नीचे किसके कारण गिर रहा है, ये नीचे ग्रेविटी के कारण गिर रहा है। तो इस प्रोसेस को हम फ्री फॉल बोलते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो बिना किसी इनिशियल वेलोसिटी के गिरे। यहाँ हमने इसको कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं गिरी माना, ये नीचे गिर रहा है ड्यू टू द ग्रेविटी। अगर मैं इसको जोर से ऐसे पटकूंगा फिर मैं इसको इनिशियल वेलोसिटी दे रहा हूँ, तो हमारा फ्री फॉल हुआ, वो जो है वो यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ जो है वो कूद गया बिना किसी वेलोसिटी के, फ्री फॉल हुआ। फ्री फॉल का मतलब है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो कि यू से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारी जीरो है। और फ्री फॉल के केस में हमें पता है कि जो एक्सीलरेशन है वो इक्वल टू जी हो जाती है, और वो हम लेते हैं, हमें क्वेश्चन में बोला गया कि वो हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर ले सकते हैं। उन्होंने बोला कि 5 सेकेंड बाद जब वो गिर गया, उसके 5 सेकेंड बाद सुपरमैन आया, सुपरमैन ने क्या किया, ऊपर से डाइव लगाई। अब सुपरमैन को उस बच्चे को पकड़ना है ताकि वो नीचे गिर ना जाए, उसको नीचे पहुंचने से पहले पहले उसको पकड़ना है, ये पूरा डिस्टेंस कवर करने से पहले पहले सुपरमैन को उसको पकड़ना है, तब भी वो उसको बचा पाएगा। अब जो सुपरमैन है वो फ्री फॉल नहीं कर सकता, अगर वो फ्री फॉल करेगा तो वो भी धीरे धीरे गिरेगा जैसे बच्चा गिर रहा था। तो अब वो चाहता है कि वो बच्चे को पकड़े, तो उसको जोर लगा के नीचे छलांग लगानी पड़ेगी, मतलब कि उसको खुद को नीचे जोर फोर्स के साथ गिराना पड़ेगा, तो वो खुद को छलांग लगाएगा खुद किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ। तो हमें वही वेलोसिटी पता करनी है कि उसे कितनी वेलोसिटी के साथ नीचे छलांग लगानी पड़ेगी ताकि वो बच्चे को गिरने से पहले जो है वो पकड़ सके। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सुपरमैन के पास टाइम कितना है बच्चे को बचाने के लिए। अगर उसके पास ज्यादा टाइम होगा बच्चे को बचाने के लिए तो वो कम वेलोसिटी से छलांग लगा देगा तो चल जाएगा, लेकिन उसके पास अगर टाइम कम हुआ बच्चे को बचाने के लिए तो उसको बहुत ज्यादा वेलोसिटी के साथ नीचे छलांग लगानी पड़ेगा ताकि वो नीचे जल्दी पहुंच सके। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि बच्चा यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम ले कितना रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें बच्चे का यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, कौन सी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें डिस्टेंस एस जो होता है वो हमारा डिस्टेंस होता है, यू हमारी इनिशियल वेलोसिटी, ए हमारी एक्सीलरेशन। जो डिस्टेंस है वो हमें 320 मीटर गिवन है, 320 मीटर इनिशियल वेलोसिटी हमने जीरो मान ली है, तो इनिशियल वेलोसिटी होगी जीरो इंटू टाइम प्लस हाफ, एक्सीलरेशन हमें टाइम बोली है इंटू टी का स्क्वायर जो है वो हम ऐसे रहने देंगे। किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो भी हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास 320 इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर। तो अब क्या करते हैं, ये यहाँ डिवाइड हो रहा था इसको इधर लाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड, ये यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको लाके यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, ये हो गया हमारे पास t की स्क्वेयर। जीरो के साथ जीरो काट देते हैं, 32 का स्क्वेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 64 इज इक्वल टू
टी स्क्वायर। तो टी क्या आ गया, टी आ गया हमारे पास रूट ऑफ 64 विच मीन्स की 8 सेकेंड। अब बच्चा जो है वो गिरने में 8 सेकंड ले रहा है, मतलब कि 8 सेकंड के बाद जो बच्चा होगा वो जमीन पे गिर जाएगा, 8 सेकंड के बाद बच्चा जमीन पे गिरने वाला है। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया कि जो सुपरमैन है वो 5 सेकंड बाद आता है। जब बच्चा यहाँ से कूद गया था तो कूदने के 5 सेकंड बाद, जब कूदने को 5 सेकंड हो गए थे तब जो है वो सुपरमैन आएगा। अब बच्चा जो है वो टोटल 8 सेकंड में तो ग्राउंड में पहुंच जाएगा, अब उसको जो है वो 5 सेकंड ऑलरेडी हो गए हैं, मतलब कि बचा कितना 3 सेकंड। अगर 3 सेकंड और ना सुपरमैन उसके तक पहुंच सका तो बच्चा जो है वो जमीन पे गिर जाएगा, क्योंकि सुपरमैन जो है वो 5 सेकंड बाद आया और उसको टोटल टाइम कितना लगना है, 8 सेकंड लगने हैं बच्चे को गिरने में, और सुपरमैन पहले से 5 मिनट लेट है, मतलब कि अब उसके पास कितना टाइम है बच्चे को बचाने के लिए, सिर्फ 3 सेकंड का। अब जो है हमें सुपरमैन की स्पीड निकालनी, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है ताकि वो उस वेलोसिटी से गिरे, ताकि वो 3 सेकंड में उसको पकड़ सके, क्योंकि उसको जमीन तक गिरने से पहले ही रोक बचाना उसको। तो हम डिस्टेंस को फिर से जो है वो 320 मीटर ही लेंगे। तो देखते हैं इस बार, अब हम सुपरमैन की इनिशियल वेलोसिटी निकालते हैं। सुपरमैन इनिशियल वेलोसिटी डिस्टेंस फिर से यही इक्वेशन लगाएंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब लेकिन उसके पास टाइम कितने का, टाइम उसके पास 3 सेकंड का है। डिस्टेंस उसको कितना कवर करना है, 320 कवर करना है। यू हमें पता नहीं है, टाइम उसको 3 सेकंड का मिला होगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन 10 की है और टाइम उसको 3 का मिला, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, ये हो गया 5, ये हो गया 320 इज इक्वल टू 3u प्लस 5 9 हो जाएगा हमारे पास, 5 9 होता है 45। तो अब इस 45 यहाँ पे प्लस का तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 320 माइनस 45 इज इक्वल टू 3u। 320 में से 45 माइनस करेंगे तो हमारे पास 20 उधर गए, 25 उधर गए, ये हो जाएगा हमारे पास 275 इज इक्वल टू 3u। अब u निकालिए, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 9 27, 3 1 3 3 6, ये ऑलमोस्ट इतनी जो है उसकी इनिशियल स्पीड होनी चाहिए सुपरमैन की, ताकि वो उसको बच्चे को बचा सकेगा 91.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ की वेलोसिटी के साथ। सुपरमैन को जो है वो नीचे छलांग लगानी पड़ेगी तभी वो बच्चे को गिरने से पहले पहले पकड़ पाएगा। तो क्वेश्चन में था क्या, एक बार फिर से रिकैप करते हैं। हमें बोला गया था जो बच्चा है वो फ्री फॉल कर रहा है, तो हमने फ्री फॉल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लगाई, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और हमने चेक किया कि उसको जमीन तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, उसको जमीन तक पहुंचने में 8 सेकंड का टाइम लग रहा है, क्योंकि सुपरमैन जो है 5 सेकंड बाद आया, तो मतलब कि 8 में से 5 सेकंड माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 सेकंड बचेंगे। अब सुपरमैन के पास सिर्फ 3 सेकंड का टाइम है बच्चे को पकड़ने के लिए, और क्योंकि उसको ग्राउंड से पहुंचने से पहले पहले पकड़ना है, तो इसलिए डिस्टेंस को हमने फिर से 320 लिया और टाइम हमने 3 सेकंड लिया, क्योंकि उसके पास 3 सेकंड का ही टाइम है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हमने यू की वैल्यू निकाली जो कि 91.6 मीटर पर सेकंड, 91.6 मीटर पर सेकंड, ये है जो वेलोसिटी आएगी सुपरमैन की, जिसके साथ उसको डाइव करना पड़ेगा बच्चे को बचाने के लिए। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।